Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss a very important theorem which is De Morgan's theorem. It is very important as a trigonometry concern. So let's start the video. So this is De Morgan's theorem. Whatever be the values of n, positive, negative, integral or fractional, the value are one of the values, that is cos theta plus I sin theta to the power n equal to cos n theta plus I sin theta. तो ये डी मोर्गन थ्योरम का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम n की कोई भी वैल्यू ले लें, चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, या इंटीग्रल वैल्यू हो या फ्रैक्शनल वैल्यू हो, उसके लिए हम लिख सकते हैं cos theta plus I sin theta to the power n equal to cos n theta plus I sin n theta. तो इसी को हम आज प्रूफ करेंगे और देखते हैं किस तरीके से डी मोर्गन ने इस रिलेशन को प्रूफ किया था. तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि अलग अलग एंगल पे हमें ये सारी वैल्यू पता है, जैसे कॉस ऑफ थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन, या यूं कहें कि हम कंसीडर कर ले रहे हैं, लेट अस कंसीडर cos theta 1 plus I sin theta 1 into cos theta 2 plus I sin theta 2. तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो cos theta 1 into cos theta 2 plus I cos theta 1 into sin theta 2 and then plus I sin theta 1 into cos theta 2 or I into I square which is equal to minus 1. So this is sin theta 1 into sin theta 2. तो यहाँ से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं. तो इसको लिख सकते हैं cos theta 1 into cos theta 2 minus sin theta 1 into sin theta 2 plus I. इसे लिख सकते हैं, पहले इस टर्म को लिख लेते हैं sin theta 1 into cos theta 2 and then plus cos theta 1 into sin theta 2. तो यहाँ से हमने बेसिकली रियल और रियल दोनों रियल पार्ट को एक साथ लिखा है और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ. अब ये दिख रहा है ये cos थीटा वन प्लस थीटा टू का एक्सपेंशन है कॉस ए प्लस बी, उसी तरीके से प्लस आई ये एक्सपेंशन है साइन थीटा वन प्लस थीटा टू का. क्लियर? तो हम देख रहे हैं कि हमने दो एंगल कंसीडर किया था, थीटा वन और थीटा टू, थीटा वन और थीटा टू के लिए. तो हमें फाइनली रिजल्ट मिला कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, यानी जो दोनों एंगल थे कॉस का एंगल एक साथ सम हो गया और इमेजिनरी के साथ साइन है और ये दोनों एंगल एक साथ सम हो गया. तो इसी तरीके से अगर हम तीन टर्म दिखाना चाहें, सपोज करिए कि तीन एंगल्स हैं कॉस थीटा वन प्लस कॉस प्लस आई साइन थीटा टू, कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू. तो इसी तरीके से हम सिमिलरली लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर एक टर्म हम और बढ़ा लें कॉस थीटा थ्री प्लस आई साइन थीटा थ्री. तो इसको चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे दो टर्म में थीटा वन प्लस थीटा टू था और यहां भी, तो ये इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री. सिमिलरली जिस तरीके से टू टर्म्स में हुआ था दो एंगल्स में, उसी तरीके से तीन एंगल्स में हो जाएगा. और उसी तरीके से फाइनली हम n के लिए भी लिख सकते हैं.
तो सपोज कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू एंड कॉस थीटा थ्री प्लस आई साइन थीटा थ्री डॉट 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 कॉस थीटा वन थीटा एन प्लस आई साइन थीटा एन। तो अगर हम इन सारे टर्म्स को इंटू करेंगे तो उसी मेथड से हमें मिलेगा कॉस ऑफ थीटा वन प्लस आई कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री डॉट 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 थीटा एन। जितने एंगल होंगे थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री डॉट 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 थीटा एन प्लस आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री डॉट 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 थीटा एन। क्लियर? और ये जितने टर्म हमें दिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू दिस कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा टू। इन सभी टर्म्स को हम इंटू करेंगे तो इस तरीके से हमें मिलेगा कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू थीटा थ्री एंड प्लस आई साइन दिस मच। तो अगर यहाँ पे हम सपोज कर लें कि थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू थीटा थ्री डॉट 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 थीटा एन इक्वल टू थीटा। अगर मान लें कि सारे एंगल सेम हो, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो ये है, तो यहाँ पे सारा एंगल सेम है थीटा और एन पावर के लिए हमें शो करना है, तो हम क्या करेंगे इन सब में थीटा वन को हम थीटा वन थीटा टू सभी टर्म्स को थीटा मान लेंगे। तो यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा इधर भी थीटा, ये सारा कुछ टर्म अगर थीटा लिखेंगे तो ये सारे टर्म्स एन टर्म्स है। तो ये क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन, क्योंकि सारे टर्म जब एक ही हो जाएंगे अगर थीटा वन थीटा टू सारा सेम होगा तो सीधा डायरेक्टली टू द पावर एन हो जाएगा। और राइट साइड में हम यहाँ पुट करेंगे थीटा वन थीटा टू और थीटा को अगर हम एन बार ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कॉस ऑफ एन थीटा, क्योंकि सारे टर्म्स थीटा है, थीटा को एन बार ऐड करेंगे तो कॉस एन थीटा एंड प्लस आई आई साइन एन थीटा एंड दिस इज द डी मायबॉस थ्योरम। दिस इज द डी मायबॉस थ्योरम डी मायबॉस थ्योरम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ट्रिग्नोमेट्री के लिए और इसी तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं, चाहे हम थीटा को निगेटिव रख लें, निगेटिव वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। अगर यहाँ फ्रैक्शनल टर्म्स कोई ले लेंगे, जैसे सपोज करिए अगर पी क्यू हम ले लें यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा, तो ये हर टर्म्स के लिए वैलिड है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम डी मायबॉस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। अब इसी पर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो जैसे मान लेते हैं हमें निकालना है कॉस ऑफ फोर थीटा प्लस आई साइन फोर थीटा टू द पावर फाइव एंड अपॉन कॉस थ्री थीटा प्लस आई साइन थ्री थीटा टू द पावर सिक्स। सो क्वेश्चन मान सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस find the value using डी मायबॉस थ्योरम डी मायबॉस थ्योरम। तो यहाँ पे अगर हम डी मायबॉस थ्योरम लगाएं तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला टर्म है डिनोमिनेटर वाला इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, हो जाएगा कॉस फोर थीटा प्लस आई साइन फोर थीटा टू द पावर फाइव और ये हो जाएगा कॉस थ्री थीटा प्लस आई साइन थ्री थीटा टू द पावर माइनस सिक्स। ये पावर ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा,
फिर हम डिवाइवर्स यूज़ करेंगे, तो 5 हमारा यहाँ इंटू होगा कॉस ऑफ 20 थीटा प्लस आई साइन 20 थीटा इंटू कॉस ऑफ माइनस 18 माइनस 18 थीटा एंड प्लस आई साइन माइनस 18 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 20 थीटा प्लस आई साइन 20 थीटा, और यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसलिए ये सेम ही रहेगा कॉस 18 थीटा एंड देन प्लस, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस आई साइन 18 थीटा, ठीक है। और सेम हम उसी तरीके से रूल लगा सकते हैं कॉस ऑफ दिस, सो यहाँ पे पॉजिटिव हमें रखना पड़ेगा, तो इस एंगल को हम माइनस में ही रखते हैं प्लस और ये माइनस। तो यहाँ भी उसी तरह से रहने देते हैं माइनस 18 थीटा। तो जब हम इसको डिवाइवर से ऐड करेंगे तो आएगा हमें कॉस 20 माइनस 18 यानी कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। सो दिस इज़ द आंसर, ये है फाइनली इसका आंसर। तो इस तरीके से हम काफ़ी क्वेश्चन इस पर कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स। अब हम बताते हैं इसके कुछ जनरल टर्म्स के बारे में जो डिवाइवर्स के थ्योरम के थ्रू होता है। जिससे हम आसानी से क्यूब रूट वगैरह फाइंड कर सकते हैं, या जितना भी रूट निकालना होगा उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर कुछ भी फ्रैक्शन या एन कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका जनरल टर्म हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से कॉस ऑफ 2 पाई आर प्लस थीटा प्लस आई साइन 2 पाई आर प्लस थीटा टू द पावर पी बाई क्यू। वहाँ पी बाई क्यू ले लें या एन ले लें, कुछ भी ले सकते हैं पावर में। और यहाँ पे r की वैल्यू 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इंटीग्रल वैल्यू हम ले सकते हैं। फिर इसको हम अगर पावर को यहाँ इंक्लूड करें तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई r प्लस थीटा इंटू पी बाई क्यू एंड देन प्लस i साइन 2 पाई r प्लस थीटा इंटू पी बाई क्यू। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस तरीके से। तो इसके जनरल टर्म्स को हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। सो दिस टर्म इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर पी अपॉन क्यू। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है जो काफ़ी यूज़ होता है क्यूब रूट्स वगैरह निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ 1 to the power 1/3, फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ 1 to the power 1/3। तो अंडर रूट तो हम निकाल लेते हैं, जैसे हमें अगर 1 का पावर हाफ निकालना हो तो हम लिख लेते हैं एक तरीके से अंडर रूट, और ये प्लस माइनस 1 इसकी वैल्यू आती है। या अगर हमें 2 का अंडर रूट 4 का
4 का अंडर रूट निकालना होगा, हम डायरेक्टली 2 लिख लेते हैं या प्लस माइनस 2 इस तरीके से। लेकिन अगर क्यूब रूट निकालना हो तो ये इतना आसान नहीं होता सामान्य मेथड से। तो इसको, ऐसे क्वेश्चंस को या फिर इसका अदर रूट हमें निकालना हो, 1/1 / 1 power 1/10 या 1/1 / 5 1/1 / 5, तो ये सारी चीज़ें हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से ये एक्सप्रेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी लेवल का रूट निकाल सकते हैं, चाहे 10th रूट हो या 5th रूट हो या 3rd रूट हो। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। सो 1 = 1 + 0 × i, 1 को हम लिख सकते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म में 1 + 0 i, और इसको कंपेयर कर लेते हैं r cos theta + i r sin theta। तो एक्चुअली हम यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में। ये जो फॉर्म होता है वो कार्टेशियन फॉर्म होता है, जहाँ पे 1 और 0 यहाँ पे x y जैसे हैं, x प्लस आई वाई। सो यर x इज़ 1 एंड y इज़ 0। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा r cos theta = 1 एंड r sin theta = 0। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों टर्म को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, r² cos² θ + r² sin² θ। तो यहाँ से हमें मिलेगा r² = 1, या सिंपली कह सकते हैं r = 1। इसी तरीके से थीटा की वैल्यू, थीटा हो जाएगा यहाँ से r1 है तो cos θ = 1 और सिंपली आ जाएगा 0°। क्लियर, r की वैल्यू 1 है, cos θ = 1 और cos में 1 वैल्यू होती है 0° का। तो हमें फाइनली मिल गया r = 1 और θ = 0°। तो इसको हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, हो गया 1 cos 0° + i sin 0°। तो ये हो गया हमारा जनरल टर्म। अब इसको हम जनरल टर्म नहीं, सिंपली ये पोलर फॉर्म में चेंज हुआ है। इसको अगर हम जनरल टर्म में लिखेंगे तो जनरल टर्म में इसी तरीके से चेंज करेंगे, और यहाँ पे अपॉन 1/3 है तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1/3, तो यहाँ भी हो जाएगा उसी तरीके से 1/3 और यहाँ भी 1/3 इस तरीके से। तो इन जनरल फॉर्म वी कैन राइट एज अ cos 2πr + θ, और थीटा यहाँ पे 0 है तो ये सिंपली हो जाएगा cos 2πr + i sin 2πr, यहाँ पे क्योंकि ये एंगल 0° है, 1 to the power 1/3। या सिंपली इसको लिख सकते हैं cos 2πr / 3 + i sin 2πr / 3। तो ये रहा जनरल एक्सप्रेशन, और यहाँ पे r की वैल्यू 0, 1, 2 होती है, r = 0, 1, 2। तो अगर हमें 3 रूट निकालने हैं इसके, 1/3 का मीन्स 3 रूट्स, सो r = पुट कर सकते हैं 0, 1, 2। तो 3 वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, ये है 1 to the power 1/3। तो निकाल सकते हैं व्हेन r = 0, जब हम r = 0 लिखेंगे तो एक रूट इसका मिलेगा, वन ऑफ द रूट इज इक्वल टू, सो द रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू cos of 0, सो cos of 0° + i sin 0°। तो यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी हमें 1, क्योंकि ये भी 0 प्लस i sin 0, ये पूरा एंगल 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1। उसी तरीके से जब हम r = 1 पुट करेंगे, व्हेन r = 1, देन रिक्वायर्ड वैल्यू
रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू कॉस, आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। अब कॉस 2π/3 मीन्स कॉस 120, सो इसकी वैल्यू होगी -½ एंड प्लस साइन, तो ये हो जाएगा आई रूट 3/2। ये साइन 2π/3 की वैल्यू है। उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं नेक्स्ट वैल्यू, एक और वैल्यू इसकी, तो व्हेन आर इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड वैल्यू इक्वल्स टू कॉस 4π/3, 2 × 2, सो दिस इज इक्वल 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें कॉस 4π/3 होता है प्लस -½ एंड देन आई, और इसकी वैल्यू होती है -√3/2। क्लियर? सो इस तरीके से हमें -1/1 to the power 1/3 के तीन रूट मिल गए और वो तीनों रूट्स हैं। सो ऑल द रूट्स फाइनली ऑल द रूट्स ऑफ 1 to the power 1/3 इक्वल 1 एंड देन -½ प्लस माइनस √3/2 आई। ये है आंसर 1 के 3 रूट्स, 1 - ½ प्लस √3/2 i एंड 1 - 1/2 - √3/2 i। तो r की वैल्यू डिपेंड करती है कि हमें कितने नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं। अगर हमें इससे ज़्यादा रूट्स निकालने होते 5 या 6 तो फर्दर हम r की वैल्यू 2, 3, 4, 5 इस तरीके से पुट करके निकाल सकते हैं। तो ये था कुछ स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स के बारे में जो हम डिवाइवर्स को यूज करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से डिवाइवर्स काफ़ी यूज़फुल है। कुछ पॉलिनोमियल्स भी होते हैं जिनको हम इस मेथड से करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, सॉल्व द पॉलिनोमियल x^7, x^4, x^3 एंड प्लस 1 = 0। तो सपोज करिए कि हमें फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल को, तो इधर हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग डिवाइवर्स थ्योरम। अब ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, इसको डिवाइवर्स थ्योरम से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालते हैं कि फैक्टराइज हम किस तरीके से करें जिससे हमें x की वैल्यू पता चले हमें कहाँ से कहाँ तक निकालनी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, x^7 प्लस x^4 प्लस x^3 प्लस 1 = 0। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों टर्म में x^4 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x^3 प्लस 1 प्लस 1 x^3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर ये कॉमन हो जाएगा x^3 प्लस 1 और x^4 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम इस टर्म को 0 करेंगे, इफ़ x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड देन x³ इज -1 एंड x = -1/3। उसी तरीके से तो यहाँ से हमें तीन रूट मिलेंगे -1 के हिसाब से, -1 to the power 1/3। तो तीन रूट मिलेंगे जिस तरीके से हमने 1 का निकाला था पिछले क्वेश्चन में,
वन का वन बाई रूट वन बाई थ्री, उसी तरीके से हम माइनस वन का वन बाई थ्री निकाल लेंगे। माइनस वन के लिए भी हम सपोजिशन उसी तरीके से करेंगे, माइनस वन प्लस जीरो इंटू आई, और इसे फिर उसी फॉर्म में चेंज करेंगे, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस तरीके से आई आर साइन थीटा, तो पोलर फॉर्म में उसी तरीके से चेंज कर लेंगे आर और थीटा के बाद। तो तीन रूट हमें यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा फैक्टर यहाँ पे है, क्योंकि ये पावर सेवन का पॉलिनोमियल है तो इसके सेवन रूट्स हमें मिलेंगे। तो दूसरा यहाँ से मिलेगा, इफ़ एक्स टू द पावर फोर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, सो दिस विल गिव एक्स टू द पावर फोर इक्वल टू माइनस वन, यानी एक्स इक्वल माइनस वन टू द पावर वन बाई फोर। क्लियर? तो सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, माइनस वन टू द पावर वन बाई फोर। तो थ्री रूट यहाँ से और फोर रूट यहाँ से, टोटल हमें मिल जाएंगे सेवन रूट्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन डिमाइवर्स के अलावा जल्दी आसानी से नहीं हो सकते, यहाँ हमें काफ़ी फैक्टराइजेशन और फर्दर करना पड़ता, फिर काफ़ी कठिनाई होती है उसमें। लेकिन डिमाइवर्स थ्योरम से हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वाला ये पहले वाला क्वेश्चन किया, उसी तरीके से इसको भी मान के कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन भी किया जा सकता है, जैसे माइनस आई टू द पावर कुछ भी वन अपॉन थ्री या वन बाई सिक्स वन बाई फोर। तो इस क्वेश्चन में भी हम उसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे, आई है यहाँ पे, तो हम आई को लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस, या माइनस लगा लें हम, ज़ीरो माइनस वन इंटू आई इंटू टू द पावर वन बाई थ्री। तो इसको हमें कम्प्लेक्स नंबर टाइप डिनोट कर देना है, ज़ीरो माइनस आई, और फिर इसको हमें उसी तरीके से पोलर फॉर्म में चेंज करना है, आई साइन थीटा टू द पावर वन बाई थ्री। फिर इसके बाद इसका जनरल टर्म, और जनरल टर्म लिखने के बाद हम आर की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आर की वैल्यू ज़ीरो वन टू इस तरीके से। तो जितनी भी रूट हमें चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, वन टू। तो इस तरीके से डिमाइवर्स को यूज करके हम बड़ी आसानी से पॉलिनोमियल्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, या किसी भी नंबर्स का क्यूब रूट निकालना हो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं, चाहे टू का वन बाई फाइव निकालना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम पोलर में चेंज करेंगे, फिर जनरल टर्म करके इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो ये था फिलहाल आज के वीडियो में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।